भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अपना बजट रखा है, उसमें देश के लोगों को क्या मिला, दिल्ली के लोगों को क्या मिला, पंजाब के लोगों को क्या मिला, विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे साथी सांसद पंजाब के मलविंदर सिंह कंग जी हैं, जो आपको पंजाब के बारे में विस्तार से बताएंगे। मैं इस बजट के बारे में दो तीन महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूं। पहली बात तो बजट की खुशहाली का अंदाजा पिछले कई वर्षों से शेयर मार्केट के गिरने और शेयर मार्केट के ऊपर जाने से लगाया जाता है। और अभी मैंने देखा कि 1200 अंक, हो सकता है अब ज्यादा हो गया हो, 1200 अंक के करीब शेयर मार्केट लुढ़का है, नीचे आया है। यानी शेयर मार्केट में कोई उत्साह नहीं है इस बजट के आने के बाद। दूसरा, अलग अलग वर्गों को जो उम्मीद थी इस बजट से, उनको क्या हासिल हुआ? देश का अन्नदाता किसान जो एक साल तक सड़कों पर बैठा रहा, तीन काले कानून के खिलाफ एमएसपी दोगुना करने की मांग को लेकर, उसको उम्मीद थी कि हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य C2+50% के फॉर्मूले के तहत दोगुना किया जाएगा। उसके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी और अभी भी शंभू बॉर्डर पे और पंजाब हरियाणा देश के अलग अलग क्षेत्रों में किसानों का आंदोलन चल रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अलग अलग इलाकों में, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो। आपने बिल्कुल उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अब आपको याद ही नहीं कि इस देश में किसान भी है। आपके खुद के घटक दल मांग कर रहे थे कि इस अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में डालिए, यह देश की सेना के साथ भी विश्वासघात है और हमारे नौजवानों के साथ भी विश्वासघात है। आपने इस बजट में अग्निवीर योजना को लेकर कोई बात नहीं कही। इस देश का युवा चाहता है कि सेना की भर्ती जैसे पहले होती थी उसी तरह से सेना की भर्ती बहाल की जाए। यह अग्निवीर योजना सेना को ठेके पर रखने की योजना है। भारत की सेना का अपमान है, भारत माता का अपमान है, और इसलिए हम लोगों की ये मांग रही है कि ये अग्निवीर योजना आप वापस लीजिए। आपने उसके लिए भी सेना के लिए कोई बजट निर्धारित नहीं किया। तीसरी मांग, इस देश का कर्मचारी वर्ग कहता है बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा। उसकी मांग है कि भाई पुरानी पेंशन की बहाली कीजिए, आप नई पेंशन स्कीम में शेयर मार्केट में उनका पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट बढ़ेगा तो उनका पैसा बढ़ेगा, शेयर मार्केट डूबेगा तो उनका पैसा डूब जाएगा। 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह पाने वाले लोग पेंशन के नाम पे 1200 रुपए 1500 रुपए पाते हैं। यह आपने देश के कर्मचारी वर्ग को निराश करने का काम किया। माताओं बहनों को, इस देश के लोगों को जो सबसे बड़ी उम्मीद थी कि पेट्रोल पे, डीजल पे, आम वस्तुओं पे, जो रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं, उस पर आप टैक्स में छूट देंगे जिससे महंगाई से उनको राहत मिल सकेगी, उस पर आपका बजट खामोश है। आपने इस देश के छोटे निवेशकों को, जो शेयर बाजार में छोटी छोटी कंपनियों में, अलग अलग कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं और उससे कुछ उनकी आमदनी हो जाती है, अपने घर परिवार चलाते हैं, इस देश में शेयर बाजार में पैसे लगाने वाले छोटे निवेशकों की संख्या है 10 करोड़।
अगर उनके परिवारों को आप गिन लें तो करीब करीब 30 करोड़ की संख्या है। आपने क्या किया उनके साथ? लॉन्ग टर्म उनका जो इनकम होता है उस पे आपने टैक्स लगा दिया 10% से उठा के 12.5%, और शॉर्ट टर्म के लगा दिया 15% से उठा के 20%। यानी कि मोटे तौर पे ऐसे समझे कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना शेयर 1 साल से ज्यादा की अवधि के लिए रखता है और उसको फिर बेचता है तो अब उसको सरकार को जो आमदनी होगी उसको देना पड़ेगा 10% की जगह 12.5% टैक्स। और अगर शॉर्ट टर्म में वो अपने आमदनी करता है और शेयर को बेचता है तो उसको अपनी आमदनी पर 15% की जगह देना पड़ेगा 20% टैक्स। आपने उनको भी उनके ऊपर भी टैक्स का बोझ लाद दिया। तो कुल मिलाकर, और कल इकोनॉमिक सर्वे आया आपका, क्या कहते हैं भाजपाई? कहते साहब चीन की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है, चीन के वस्तुओं का बहिष्कार करो। फिर भाजपाइयों की ड्रामा कंपनी तैयार होती है, कहते क्या करना है हुजूर, मोदी जी बताइए। कहते जाके कोई सैमसंग का स्टोर तोड़ दो। तो ड्रामा कंपनी जाती है वहां, सैमसंग का स्टोर तोड़ती है। दिन भर आप लोग भी टीवी चैनल पे खबरें चलाते हो, ए देखो चीन का बहिष्कार, चीन का बहिष्कार, अरे तू कौन सी पेन इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहा है, देखो ये तो चाइना का सामान इस्तेमाल कर रहा है। भाजपाइयों अपने आका से जाकर पूछो, 68% चीन के साथ व्यापार बढ़ाया है तुम्हारे आकाओं ने, जिसके कहने पे जाके नारा लगाते हो, और एक हिंदुस्तानी जो व्यापार कर रहा होता है सैमसंग का स्टोर खोल के बैठा होता है उसका स्टोर तोड़ते हो, तोड़फोड़ करते हो जाके दुकानों पर। जाके अपने आकाओं से पूछो, मोदी जी से पूछो, गलवान घाटी में जहां पर हमारे 20 जवान शहीद हुए, अरुणाचल से लेके बाकी राज्यों से खबरें आती हैं कि चीन भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहा है, उस चीन के साथ 68% आयात बढ़ाया है, 68% आयात, यानी कि आप उनको और लाखों करोड़ रुपए कमवा रहे हैं कि और टैंकर बनाओ, और मिसाइलें बनाओ, और भारत की सीमाओं में घुसपैठ करो, और यहां अपनी पार्टी के लोगों से ड्रामा करवाते हो कि चीन के सामानों का बहिष्कार करना है, खुद झूला झुलाना है, खुद उनके साथ व्यापार करना है। तो यह भी एक असलियत इनकी सामने खुलकर आई इस इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें, ये तथ्य सामने आया है। तो कुल मिलाकर अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली इनको इनकम टैक्स और जीएसटी मिला के हर साल 232,000 करोड़ रुपए देता है। कितना देता है? 232,000 करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे, इतना पैसा दिल्ली के लोग केंद्र की मोदी सरकार को देते हैं, और बदले में मोदी जी हमको क्या देते हैं? मोदी जी देते हैं जीरो जीरो जीरो। और मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहूंगा कि आके हमारी वित्त मंत्री का दर्द सुन लीजिए, आतिशी जी से मुलाकात कीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर बताएंगे, और आप भी इस झांसे में मत फंस जाइएगा। 1,25,000 करोड़ का वादा 9 साल पहले किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो रैली आप लोगों को याद होगी, क्या बोला था? जय प्रकाश जी की कर्म भूमि से बोल रहा हूं, 50,000 करोड़ में बिहार के लोगों का काम नहीं चलेगा, 50 चाहिए 60 चाहिए 70 चाहिए 80 चाहिए 90 चाहिए 100 चाहिए 125। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज इसी ग्राउंड से घोषित कर रहा हूं, इसी मैदान से घोषित कर रहा हूं। हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जो एक रैली में 1,25,000 करोड़ दे देता है। 9 साल हो गए, बिहार के लोगों के हिस्से में कुछ नहीं आया।
नौ साल हो गए, रैली के मैदान से ही 1,25,000 करोड़, हमको तो डर लग रहा था कहीं बोरा और हम बांध के लिए होते तो सिम बांट देते, 1,25,000 करोड़। आज क्या बोल रहे हैं, कह रहे 26,000 करोड़ रुपए, उसमें पुल बनेगा, हाईवेज बनेगा। हालांकि पुल हाईवेज पूरे देश में कहीं कहीं बन रहे हैं, लेकिन ठीक है, उसको भी आपने जोड़ जाल के 26,000 करोड़ बताया है। तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहूंगा कि जल्दी ही, इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है क्या करे क्या ना करे। 9 साल आप लोगों को इन्होंने मूर्ख बनाया, बिहार के हिस्से में कुछ नहीं दिया, तो ये जो 26,000 करोड़ की घोषणा की है इसको ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे बताया गया कि दिल्ली के लिए जो 325 करोड़ रुपए घोषित किया जाता है, अभी मैं आ रहा था तो मैंने कन्फर्म किया, 1 रुपए दिल्ली को नहीं दिया इन्होंने। 2,32,000 करोड़ रुपए का टैक्स दिल्ली से लेने के बावजूद 1 रुपए, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 1 रुपए भी केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली को नहीं दिया। इतनी दुर्भावना है आपके मन में, इतनी नफरत भरी है आपके मन में, क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि यहां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, तो आप इस तरह से भेदभाव कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं दूसरे राज्यों को सेंट्रल टैक्स का, केंद्रीय हिस्से में जो टैक्स जाता है उसमें राज्यों का जो शेयर मिलता है वो करीब करीब 15% मिलता है, हमको आप 10% ही दे दीजिए। और हम तो इनकम टैक्स जो जाता है, हम जीएसटी का भी हिस्सा नहीं, हम तो इनकम टैक्स का हिस्सा मांग रहे हैं, इनकम टैक्स का जो जाता है उसमें से आप दे दीजिए करीब करीब 20,000 करोड़, 2,07,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स का हिस्सा केंद्र को जाता है, उसमें से कम 20,000 करोड़ रुपए दे देते आप, 10,000 करोड़ रुपए एमसीडी को, 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को, वो भी नहीं दिया आपने। तो ये कुल मिलाकर हकीकत थी, ये बजट सरकार बचाओ महंगाई बढ़ाओ बजट है, ये बजट झुंझुना बजट है, देश की जनता के हिस्से में कुछ नहीं आया, न किसान, न नौजवान, न माताएं बहनें, न व्यापारी, न कर्मचारी, किसी के हिस्से में कुछ नहीं आया। हाँ, कॉरपोरेट घरानों का टैक्स नहीं बढ़ाया गया, उनके लिए राहत की खबर जरूर हो सकती है। मैं मलविंदर सिंह कंग जी से जरूर कहूंगा कि वो पंजाब के बारे में और बाकी विषयों पर अपनी बात रखें। थैंक यू भाई साहब। हालांकि संजय जी ने मोटे मोटे तौर पर बजट को लेकर तमाम जो एस्पेक्ट हैं पूरे देश में जिस तरीके से, वो पूरी डिटेल में आपके सामने रखे हैं, लेकिन क्योंकि मैं लोकसभा में आप मौजूद रहा और पंजाब की हम नुमाइंदगी करते हैं, तो मैं पंजाब के बारे में जरूर आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। पूरे बजट के भाषण के दौरान जो वित्त मंत्री जी ने आज दिया, प्रधानमंत्री जी वहां बैठे हुए थे, पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी, पूरे 1.5 घंटे के भाषण में एक बार भी पंजाब का जिक्र नहीं आया। वो पंजाब जो देश के अन्न भंडार भरने में, जैसा आज सीतारमन जी ने जिक्र किया, हम 80 करोड़ लोगों को जो आने वाले समय में फूड सेफ्टी के अंतर्गत अनाज देंगे, उनको राशन देंगे, उस 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले भोजन में 50% कंट्रीब्यूशन पंजाब का है, उस पंजाब का कोई जिक्र नहीं। फिर उन्होंने फ्लड्स को लेकर, क्योंकि बरसाती सीजन चल रहा है, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जरूर जिक्र किया हिमाचल का, उन्होंने जिक्र किया उत्तराखंड का, जहां बीजेपी की सरकार है, उनके लिए पैकेज भी अनाउंस किया, लेकिन जितना फ्लड के कारण पंजाब की क्रॉप का, पंजाब के लोगों की प्रॉपर्टी का, पंजाब के लोगों ने नुकसान झेला है अब तक, उसका कोई जिक्र नहीं, उसके लिए बजट में कोई प्रोविजन नहीं। हालात ये हैं, कभी कभी जब देश की झांकियां निकाली जाती हैं, और ये एक बार नहीं हो रहा, पिछले 10 साल में हमने कई बार देखा है, वो पंजाब जहां
हर रोज देश की सरहदों पे शहीद होने वाले जवान की लाश तिरंगे में लिपटकर पंजाब में आती है, उसकी झांकियों को 15 अगस्त और 26 जनवरी में परेड में दिखाने से भी इनकार पिछली बार मोदी साहब की सरकार ने कर दिया था, उस पंजाब के लिए इस बजट में कोई जिक्र नहीं। पंजाब क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, पिछले बजट में 25,000 करोड़ सब्सिडी का ऐलान किया था मोदी जी की सरकार ने फर्टिलाइजर्स पर, और उसको फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी पर भी इस पर 36% घटा दी और 16,000 करोड़ की सब्सिडी का अनाउंस किया। कितनी बड़ी बात है, एक तरफ डीजल दुगना महंगा है, संजय जी ने जिक्र किया महंगाई का, देश के इतिहास में बेरोजगारी और महंगाई हाईएस्ट लेवल पे है, खाद महंगी है, पेस्टिसाइड महंगा है, बीज महंगा है, डीजल पेट्रोल हर तरीके से, और जो किसान मिनिमम सपोर्ट मांग रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपनी फसल के लिए, और कई महीनों से वहां एजिटेशन कर रहे हैं, धरने पर बैठे, जहां एक जवान हमारा शहीद भी हुआ, उस किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी का जिक्र भी पूरे बजट में कहीं। यह पूरे देश की मांग है, कोई एक स्टेट की मांग नहीं है, कोई कुछ लोगों की मांग नहीं है। जब आप एक स्टेट जब 50% अनाज भंडार भर के दे रहा है, जहां के सबसे ज्यादा देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए जवान शहीद हो रहे हैं, उस किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी का जिक्र नहीं आना, यह अपने आप में दर्शाता है कि मोदी जी को ना किसान का, ना जवान का, ना गरीब का, ना मजदूर का, ना महिलाओं का, ना मिडिल क्लास, ना गरीब क्लास, किसी का जिक्र, किसी का फिक्र नहीं है। फिक्र है तो जैसा संजय भाई साहब जी ने बताया कि अपनी सरकार बचाने के लिए जो बैसाखियां हैं नीतीश कुमार जी के रूप में और तेलुगु देशम के रूप में आंध्र प्रदेश, उनको कुछ ना कुछ जरूर देने की कोशिश की है। जो सरकार बचाओ बजट है, तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में काम कर रही है, और पिछले दिन वित्त कमीशन ने वहां मीटिंग की, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने डिटेल में उनके सामने अपनी मांग रखी, और बड़ी वाजिब मांग, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हर बार प्रधानमंत्री जी करते हैं, आज जरूरत है, पंजाब कर सकता है, कोई जिक्र नहीं, लीगल गारंटी का कोई जिक्र नहीं, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम बॉर्डर स्टेट हैं, नार्को का कितना बड़ा आतंक है, और किस तरीके से जो पड़ोसी देश है जिस तरीके से पंजाब में घुसपैठ करते हैं, हमने कई बार लिखा कि बॉर्डर को भी सिक्योर करो, पंजाब को एडिशनल फंड दिए जाए, हमारे हजारों किसान हैं जिनकी जमीन जो है बॉर्डर के उस पार है, जो सुबह जाते हैं शाम को वापस आते हैं, उनके लिए कोई मुआवजा नहीं। सो ये पूरी तरीके से बजट जो है एंटी पंजाब है, एंटी पीपल है, और देश की जो दिशा और दशा उसको कहीं भी प्रभावित नहीं करता, जैसा हमारे लीडर ने बताया, और हम सिरे से इस बजट को खारिज करते हैं। बहुत। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।